वोटों की काउंटिंग से पहले उत्तर मुंबई में बीजेपी के उम्मीदवार गोपाल शेट्टी दो दिन पहले ही जीत के लड्डू बनाकर जश्न मनाने की तैयारी में चल रही है। जीत के लड्डू बनाने वालों की खास बात यह है कि जो काम करने वाले लोग लड्डू बना रहे हैं वह लोग मोदी का मास्क पहनकर बना रहे हैं। बता दें कि मोदी लहर का काफी असर नजर आ रहा है। मोदी का मास्क पहनकर लड्डू बनाने वालों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। अब तक 1500 से 3000 लड्डू बनने के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, लेकिन 23 मई को लड्डू के ऑर्डर 10000 किलो तक जा सकता है। सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। जिस तरह से भाजपा की फिर से सरकार बनने जा रही है, एग्जिट पोल से ये साबित हो चुका है। वैसे अगर हम बात करें गोपाल शेट्टी जी जिस तरह से चुनाव प्रचार में लगे थे, अपने कार्यों और विकास को लेकर उन्होंने वोट मांगा था, तो वो वोट उन्हें मिल चुका है। इस समय हमारे साथ अमित व्यास जी मौजूद है। तो अमित जी, सबसे पहले तो खुशी कितनी है? बहुत ही खुशी है। हम पहले से ही ऑर्डर तो दे चुके थे, लेकिन ऑर्डर में हमने 1500 किलो दी थी, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद हमने कहा कि नहीं, लोग और रास्ते पे ज़्यादा उतरेंगे, तो इस हिसाब से हमने और 1500 किलो बढ़ा दिए। टोटल 3000 किलो लड्डू बन रहे हैं। जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान भी एक लोगों का एक भीड़ और एक लोगों का काफला देखने को मिल रहा था, लेकिन जीत के बाद जो जीत होगी उस समय किस तरह की तैयारी होगी, किस तरह से रोड शो होंगे, किस तरह से लोगों के बीच जाएंगे और किस तरह से धन्यवाद करेंगे गोपाल जी? और आप, गोपाल जी का एक स्वभाव है, रथ पे चढ़ने से पहले वहाँ पे हनुमान मंदिर है, पहले वो हनुमान मंदिर में जाते, बाद में रास्ते में जितने मंदिर होते आते हैं सभी मंदिरों में वो मत्था टेक करके निकलते हैं। वो एक गोपाल जी का पहले से स्वभाव है, तो उस हिसाब से गोपाल जी इस बार भी ऐसे ही निकलेंगे। और कुछ अलग होगा क्या, कुछ देखने को मिलेगा? लोगों के अंदर एक उत्साह है, आपके कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? लोगों में एक ही उत्साह है, लोगों को एक ही यह है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, और मोदी जी ने जो मंदिर बनाने का जो प्रण लिया है वो मोदी जी ही मंदिर बनाएंगे। और मिठाई की किस तरह से तैयारी है, किस तरह से मिठाई बनाएंगे, किस तरह से हमें देखने को मिल रहा है कि लोग मोदी जी के मुखड़े लगाकर लड्डू बनाते हुए नजर आ रहे हैं? ये जो कारीगर है वो खास बंगाल से हैं, और वो लोग को ऐसा चाहिए कि बंगाल में इस बार हमारा चेंज आना चाहिए। वो वहाँ पे प्रचार में गए थे तो वहाँ पे उनको ये मास्क मिला है, तो वो पहन के अभी लड्डू बना रहे हैं कि नहीं, हम लोग भी मोदी जी के साथ हैं। तो ऐसी और भी जगहों पर लड्डू की बनने की तैयारी हो रही है या फिर यहीं पे, यहाँ पे ही पूरी? नहीं, ये तो खाली हमारा उत्तर मुंबई में बन रहा है, ऐसे हमारे बम्बई में भी बन रहा है क्या जी? बस अब जनता को क्या धन्यवाद कहना चाहेंगे? क्या आपको लग रहा है जो एग्जिट पोल है वो सच है, और जो आपने सोचा था विकास को लेकर जो आप गोपाल जी के साथ नजर आए थे लोगों के बीच में, वो चीज़ें जनता ने उस विकास को चुना है? 100% जनता ने विकास को चुना है। लोगों को भाजपा पे विश्वास है, लोगों को मोदी जी पे विश्वास है, इसीलिए आपको ये सब एग्जिट पोल अभी जो दिख रहे हैं वो आपको 23 को सच में सब दिखाई देंगे। जिस तरह से आपने देखा कि अमित जी का कहना था कि जो तैयारी चल रही है उन्हें तो पहले से पता था कि जनता विकास को चुनेगी, और इसी को लेकर यहाँ पर जिस तरह से मिठाइयों की तैयारी चालू हो गई क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि रोड पर शायद जनता बहुत ज़्यादा होगी, तो हर किसी का मुंह मीठा करने के लिए तैयार होंगे अमित जी और गोपाल शेट्टी जी, इसी को लेकर ये तैयारियाँ चल रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर किस तरह से लड्डू मिठाइयाँ बनना तैयार हो गए, और यहाँ के जो लोग हैं ये बंगाल से आए हुए लोग हैं, और जिनके फेस पे एक मुखड़ा देखने को मिल रहा है, मोदी जी का मुखड़ा इन्होंने लगा रखा है कि लोगों में एक उत्साह और देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राम मिश्रा के साथ मैं शांति सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया, मुंबई। लड्डू बनना था ना, कितनी खुशी हो रही है? बहुत। तो आपकी तैयारी पहले से थी कि मोदी जी जीत कर आएंगे और यही वो जगह होगी जहां पर लड्डू बनने की, और लोगों के लिए खुशी का जो माहौल होगा, लोगों के बीच मुंह जो मीठा करना होगा, यहीं से तैयारी होगी? नहीं, एग्जिट जैसे ही एग्जिट पोल आया वैसे ही हमको ऑर्डर मिला और हमने काम शुरू किया। तो पहले 1500 से 2000 किलो का ऑर्डर आया था, फिर और उन्होंने बढ़ाया कि और ज़्यादा तैयारी रखना, ऑर्डर बढ़ेगा इसके लिए। तो आप कहाँ से हैं? आप